नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको टेक्सटाइल्स यानी सिलाई के प्रैक्टिकल्स के बारे में बता रही हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने आपको सिलाई मशीन दिखाई थी, दोनों ही इलेक्ट्रिक मशीन भी और हाथ से चलाने वाली भी मशीन, और उसके कई सारे पार्ट्स हैं, वो आपको चित्र के द्वारा भी बताए थे और आपको प्रैक्टिकली भी बताए थे कि किस तरह से वो जो पार्ट्स हैं वो काम करते हैं। उसके बाद में मैंने कहा था कि आज मैं सिलाई के उपकरणों के बारे में बताऊंगी, और सिलाई के उपकरण बहुत ही ज़रूरी हैं अगर हम सिलाई खुद घर पर कर रहे हों तो। अगर नहीं भी कर रहे हों, थोड़ी सी मेंडिंग भी करनी है, रफू करना है, थोड़ी बहुत सिलाई थोड़ा उधड़ गया है ठीक करना है, तो उसमें भी थोड़े बहुत उपकरण तो हमको ज़रूरत होती ही है। जैसे सिलाई के जो मुख्यतया उपकरण जो है, जो बहुत ही ज़रूरी हैं, वो है इंच टेप, टेलर चॉक, पेंसिल रबर, कागज, ट्रेसिंग व्हील, कैंची, पिकिंग कैंची तो हो तो ठीक, कोई बात नहीं है, सुइयां हाथ की मशीन की, धागे तरह तरह के, मोटे जो कॉटन वाले हैं वो, टेरिलीन पॉलिएस्टर के, और सिलाई का डिब्बा। मतलब सिलाई के डिब्बे में कई सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हम सिलाई करते हैं, उसमें जो चीज़ यूज़ होती है वो। तो आपको प्रैक्टिकल में क्या करना है कि जो चीज़ मैं अभी आपको बताऊं उसका थोड़ा सा चित्र बनाना है, जो वाइट कलर का कागज होगा वो लेफ्ट साइड में, और जो राइट वाला जो आपकी लाइन वाला कागज है उसमें एक एक दो दो लाइन उसी चीज के बारे में लिखनी है। तो उपकरणों में जैसे सबसे पहले ये है इंच टेप। तो इस तरह का इंच टेप होता है, आपने भी देखा हुआ होगा कि इंच टेप कैसा होता है। इधर एक पट्टी होती है, ये एल्यूमिनियम की सी पट्टी, जिससे कि इसको जब हम बंद करते हैं तो आराम से हम इसको फोल्ड करके, और मतलब ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रख देंगे तो ये कट जाएगा थोड़े से दिन में, क्योंकि प्लास्टिक का ही तो, रबर का ही तो बना हुआ है। तो इस तरह से, और आखिर में भी इसमें एक स्टील लगा हुआ है कि, तो इसके क्योंकि इसमें धागा होता है, जो इसका कपड़ा है वो तो बहुत दूर दूर वॉर्प और वेफ्ट है, लेकिन इसमें प्लास्टिक लगा हुआ है, लेकिन धागे जैसा अगर कुछ निकल जाएगा तो ये खराब हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा फोल्ड हो जाता है, और ये इंच टेप है। इंच टेप क्यों यूज़ करते हैं? इंच टेप हमें कोई भी कपड़ा, अगर हम सलवार कुर्ता सिल रहे हैं, ब्लाउज सिल रहे हैं, पेटीकोट सिल रहे हैं, तो हमें अगर कोई ये कहे कि फला बच्चे का फ्रॉक सिलना है, तो फ्रॉक सिलना है तो ऐसा तो नहीं है कि फ्रॉक मतलब कैसी भी सिल दो। तो हम ये सबसे पहले पूछते हैं कि कितना बड़ा बच्चा है। कितना बड़ा बच्चे का मतलब यही होता है कि हमको कितनी लंबाई और चौड़ाई चाहिए। तो लंबाई और चौड़ाई किस माप में होगी? या तो आप इधर देखेंगे कि ये इंच होता है, एक इंच, दो इंच, तीन इंच, या तो ये इंचेस में है, तो इंचेस में जो होता है वो 60 इंच तक है इसमें, और या फिर इसमें इधर जो है वो सेंटीमीटर्स में है। तो 60 इंच ये पूरा जो है वो खत्म हो रहा है यहाँ, 58, 59 और 60, ये 60 इंचेस है, और ये सेंटीमीटर्स में यहाँ चालू हो रहा है और यहाँ ख़त्म हो रहा है 152 सेंटीमीटर पर। तो या तो हम सेंटीमीटर से नाप लेंगे या हम इंचेस में नाप लेंगे। तो नाप लेने के लिए एक यही चीज़ है, वैसे हम ये भी कह लेते हैं दो बिलांद का है। अब बिलांद तो मेरी बिलांद हो सकता है बड़ी हो, किसी और की बिलांद छोटी हो, किसी की और बड़ी हो, कभी कभी अपन थके हुए होते हैं तो इतनी बिलांद होती है, कभी हम बहुत एक्टिव होते हैं तो चौड़ी चौड़ी कर देते हैं, कभी ऐसा होता है। तो ये कोई एक सिलाई का माप नहीं है कि एक बिलांद या दो बिलांद या एक उंगली या हथेली तक, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। कभी कभी जब हमारे पास में कुछ भी नहीं है तो हम बिलांद भी कह सकते हैं, कोई धागे का नाप भी ले सकते हैं। बाकी जो हम सिलाई करते हैं एक्चुअल में,
तो सिलाई के माप के लिए इंच टेप जो है वो सबसे ज्यादा यूजफुल है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। बिना इंच टेप के हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम बाजार में भी जाते हैं और हम कहते हैं हमको ब्लाउज का कपड़ा चाहिए, तो वो कहता है कि 80 सेंटीमीटर या 90 सेंटीमीटर, बड़ी बाहों का है तो 1.25 सेंटीमीटर, लंबी लेंथ का लेंगे तो 1.5 मीटर, बड़ी अगर लेंथ का ले रहे हैं, छोटी लेंथ का है, बड़ी बाहें हैं तो 1.25 मीटर या 1 मीटर, मतलब 80 सेंटीमीटर तो अमूमन देता ही है 80 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर तो 1 मीटर हो जाता है, तो वहां भी सेंटीमीटर्स ही चल रहा है, वहां भी सेंटीमीटर ही चल रहा है, मतलब बिना नाप के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए इंच टेप का आपको डायग्राम भी बनाना है और इंच टेप के बारे में भी लिखना है। उसके बाद में हम दूसरा चलेंगे टेलर चौक। अगर हमने कोई चीज माप ली, भाई हमने हमारे हाथ की माप ले ली या गले की माप ले ली या लंबाई ले ली, तो आप जब इसकी पूरी लंबाई ले रहे हैं इस तरह से, तो उसके बाद में हमको जब कपड़े पर हम डिजाइन डालते हैं, मतलब जब हम उस पर मार्क करते हैं, तो मार्क करने के लिए हमें ऐसे डिब्बे में टेलर्स चौक मिलती है बाजार में, इस तरह से कई सारे रंगों में मिलती है, जैसे ये वाइट कलर की है, उसके अलावा पिंक कलर की है, या फिर ब्लैक कलर की है, ब्लू कलर की भी होती है, ब्लू कलर की बहुत ज़्यादा काम आती है इसलिए ख़त्म हो जाती है अधिकतर ये ब्लू कलर की। तो इनसे क्या करेंगे हम, कोई भी कपड़ा होगा, जो भी कपड़ा है, हम उसे मान लो ये कपड़ा है और हमको इस पर कोई डिज़ाइन मतलब कट लगाना है, तो हम पहले इसमें निशान लगाएंगे। अब ये लाल है और लाल का निशान नहीं चलेगा, तो हम इस पे काले का निशान लगाएंगे, ये इस तरह से। जो भी डिज़ाइन है, अगर हम इस पे गले का निशान लगा रहे हैं इस तरह से, ठीक है, तो ये टेलर्स चौक है और टेलर्स चौक जो है वो काम में आती है निशान बनाने के। तो निशान तो अपन किसी और चीज़ से भी बना सकते हैं, लेकिन इसी से क्यों बनाते हैं, इसी से इसलिए बनाते हैं कि अगर हमने अभी ये निशान लगाया, अब अगर हम इसको ऐसे मिटाएंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा, और जब हम धोएंगे तो पूरा ही इसका निशान हट जाएगा, और हम जब कपड़े पहनेंगे तो वो निशान नहीं रहेंगे। तो टेलर्स चौक हो गया। तीसरी चीज जो है वो है पेंसिल एंड रबर। तो पेंसिल और रबर आपने कई बार देख रखे हैं। पेंसिल रबर हमको क्यों चाहिए? पेंसिल और रबर हमको इसलिए चाहिए होते हैं कि जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं, ड्राफ्टिंग मतलब एक पैटर्न बनाना, मतलब अगर जैसे झबला बनाना है तो झबले का लंबाई माप और ये सब, और फिर उस पर जो शेप उसका करना है वो मैं बाद में बताऊंगी, तो उस कागज पर जब काम करेंगे तब हम टेलर्स चौक से नहीं, तब हम पेंसिल और रबर से काम करेंगे। उसके अलावा जो हमको ड्राफ्टिंग के लिए कागज चाहिए, जब हम बहुत ही स्टार्टिंग कर रहे होते हैं तब तो हम अखबार पे कर लेते हैं, अखबार लिया पुराना, उस पर निशान लगाया और कटिंग कर दी, खराब भी हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन बाद में हमको ब्राउन पेपर या फिर आप वाइट कलर की जो शीट्स होती हैं उस तरह का शीट लेके फिर इस पर हम पूरा पेपर पैटर्न बनाएंगे और फिर काटेंगे, तो ये हमारा पैटर्न हो जाएगा, फिर जो कटिंग होगी वो हम कपड़े पर रखेंगे, और कपड़े पर रखने के बाद में वापस से टेलर्स चौक से निशान बना देंगे और फिर काट लेंगे, तो वो कपड़ा जो है वो खराब नहीं कटेगा, पहले कागज पर हमको करना पड़ेगा, इसलिए हमको ड्राफ्टिंग कागज की जरूरत होती है। अब इसके अलावा एक होता है ट्रेसिंग व्हील, ये देखिए इस तरह से एक ट्रेसिंग व्हील होता है। ट्रेसिंग व्हील का क्या काम है? ट्रेसिंग व्हील का ये काम है कि अगर मान लो इस कपड़े पर हमको ये हमने दो वाला कर दिया और हमको निशान लगाना है इस पे, तो हम क्या करेंगे कि अगर हमने इस पर ये वाला निशान लगाया है, ये वाला अगर इस पे निशान लगाया है, और नीचे तो निशान नहीं जाएगा, और अगर हम इस पे यूं ये निशान दो तीन बार इस तरह से फिरा लेंगे, तेज फिराएंगे,
तो नीचे भी उसका इम्प्रेशन चला जाएगा, हल्का इम्प्रेशन होएगा, उधर यूं करके फटाक सी आप टेलर्स चौक से ठीक कर सकते हैं। तो ये जो है ये बिल्कुल फ्री चलता है, ये देखिए इस तरह से, मतलब आप इसको जैसे अपन गुंजिया कटर होती है ना, करीब ये वही है। तो ये निशान बनाने के, लेकिन तेज निशान बनाना पड़ता है। ये लकड़ी का हैंडल है और ये लोहे का व्हील पेज से जुड़ा हुआ होता है। तो ये ड्रेसिंग व्हील हो गया। उसके बाद में है कैंची। कैंची हमेशा हमारे जो हम सिलाई करते हैं उसके लिए थोड़ी बड़ी कैंची होनी चाहिए। बड़ी कैंची होने से क्या है कि एक तो ये जो आपके हाथ, बाकी ऐसे कोई मूंछ काटने वाली छोटी-छोटी कैंची लाती हैं लड़कियां, तो वो यूं करो तो वो कटती ही नहीं है और उंगलियां दुखने लगेगी। अब इसमें आराम से ये पूरी ग्रिप हो गई। आपको कुछ भी काटना है तो आराम से आप इसको, आराम से इसको काट सकते हो, क्योंकि ये भारी कैंची होती है, लोहे की या पीतल की। अच्छी बड़ी कैंची लेंगे तो दो तह, तीन तह, चार तह इकट्ठी कट जाएगी, नहीं तो एक एक तह काटते रहेंगे। और या फिर ये होगा कि मतलब है ना, आप उसको पहले एक तह काटो फिर दूसरी कैंची लेके आओ, तो मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। इसलिए हमको लोहे की बड़ी वाली कैंची ही की ही ज़रूरत होती है। उसके अलावा इन्होंने एक और पिकिंग कैंची के लिए भी लिख रखा है। पिकिंग कैंची की ज़रूरत क्यों होती है? पिकिंग कैंची की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि ये देखो पिकिंग कैंची इस तरह की होती है, मतलब जिगजैग है इसमें। जिगजैग इसलिए है क्योंकि जब हम इसको काटते हैं तो इसके जो किनारे होते हैं, जो ये जो इसके किनारे हैं, आपने देखा ये जिगजैग कट गए, ठीक है, जिगजैग कट गए। जब हम इससे काटते हैं तो जिगजैग कटेंगे। क्यों? क्योंकि कई बार क्या है कि कपड़े में से तंतु बहुत निकलते हैं, मतलब सिंथेटिक होता है या उसमें थोड़ा सा पॉलिएस्टर ज़्यादा होता है। तो आप पैंट्स वगैरह में देखेंगे, मतलब जो ट्राउजर्स होते हैं, जो आदमियों की पैंटें होती हैं, अगर उसको आप उलट करके देखेंगे तो सिलाई के बाद में ऐसे जिगजैग जिगजैग दोनों तरफ होती है, क्योंकि वो ये कर देते हैं कटिंग और उसके बाद में उसमें पिको वगैरह कर देते हैं। तो पिको नहीं, सॉरी, इंटरलॉक। पिको से तो बहुत गोल गोल हो जाता है और उसमें सलवट आ जाती है, और इंटरलॉकिंग से ये है कि थोड़ा दूर 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 होता है तो वो कपड़े को इकट्ठा नहीं करता। तो पिकिंग कैंची जो है वो वहाँ यूज़ होती है जहाँ की धागे ज़्यादा निकल रहे हैं, तो पिकिंग कैंची यूज़ होती है। फिर है सुइयाँ। सुइयाँ बहुत ज़रूरी है सिलाई के लिए। अब मैंने आपको उस वक्त ये वाली सुई बताई थी कि ये जो है मशीन की सुई है, मतलब मशीन के अंदर लगाते हैं। दूसरी जो सुइयाँ आती है, हाथ की जो सुई आती है, वो इस तरह से पैकिंग में आती है, और इस तरह से पैकिंग आप अगर खोल के देखेंगे तो ये री सुइयाँ इस तरह से। तो ये अलग अलग सुई होती है, 8 नंबर 9 नंबर, जिसके जिस हिसाब से कोई किसी का नीचे वाला पेट मोटा होता है तो जिसकी आंखें कमज़ोर होती है वो मोटे पेट की लेता है, कोई छोटी छोटी लेता है, कोई पतली और लंबी एम्ब्रॉयडरी की लेता है। तो इस तरह से जो है ये सुइयाँ जो है वो छोटी छोटी सुइयाँ हम मशीन की हो गई, हाथ की हो गई। फिर जो है वो एक और होती है ये जो हम इसमें ऊन में काम में लेते हैं। ऊन के लिए बहुत इसका मोटा मोटा पेट होता है और वो आराम से, मतलब उसमें से ऊन चली जाती है। तो इसलिए तीन तरह की ये सुइयाँ बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद में है धागा। धागा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धागे की जो गट्टियाँ हैं वो कुछ इस तरह से आती हैं। फिर इसका आप ऊपर से ये हटा लो, ये जो ये कचरा है ना, ये कचरा हटा लो, और कचरा हटाने के बाद में ये ऐसी हो जाएगी और फिर यहाँ से हम धागा यूज़ कर सकते हैं। और हमको
कॉटन धागा भी हम यूज़ करते हैं और पॉलिएस्टर धागा भी। लेकिन पॉलिएस्टर धागे में ये फ़ायदा है कि एक तो वो टाइट होता है, उसकी सिलाई नहीं, वो मतलब जैसे कॉटन वाला है ना, उसकी सिलाई उधर सकती है बहुत सारी धुलाई के बाद में, वो कच्चा हो सकता है। पॉलिएस्टर कच्चा नहीं होता है, बहुत ही टाइट रहता है और उसकी सिलाई जो है वो लास्ट लॉन्ग रहती है। उसके बाद में सिलाई का डिब्बा। सिलाई का डिब्बा सभी के घरों में होगा और सिलाई का डिब्बा जो है वो कई तरह से होता है, इस तरह का है। अब इस डिब्बे में हम देखेंगे तो अंदर बहुत सारी गट्टियाँ होती है, फिर इसका जो ऊपर वाला पार्ट है अगर हम ढक्कन हटा के देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम एक साथ रख सकते हैं। मतलब इसमें जो ये है ना, ये बॉबिन केस, बॉबिन, फिर ये सुइयां और हुक, बटन, फिर वेलग्रो पट्टी जो होती है वो, कई सारी चीज़ें हम इसमें आराम से रख सकते हैं, एक ही जगह हमारे ये काम में आ जाता है। ये सब चीज़ें तो हमको लिखनी है, इसके अलावा मैं यूँ ही बता रही हूँ आपको, जैसे एक हम जब एम्ब्रॉयडरी करेंगे तो हमको इसकी ज़रूरत होती है, आप इसको ढीला कर लो तो ये निकल जाता है अंदर का और फिर वापस से अंदर चल जाता है कपड़ा डालने के बाद में। ये कपड़ा है, कपड़ा डल गया, अब कपड़े के बाद में हमने ये किया और ये टाइट हो गया, ये टाइट हो जाता है, ठीक है, फिर हम इसमें एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। तो ये भी एक सिलाई का ही उपकरण है, ठीक है। और उसके अलावा जो बहुत बूढ़े हो जाते हैं और आँखों से हम सुई नहीं दिखाई देती है, हमें भी नहीं दिखाई देती है अब, तो एक इस तरह का ये आता है, आपको ये दिखाई दे रहा हो तो इस तरह से दिखाऊं मैं ये, तो डार्क जो पीछे सरफेस होगा उसमें दिखाऊं इस तरह से, ये आप देखेंगे। तो ये क्या है कि ये जो है, ये वाली जो जगह है इसमें हम धागा डाल देते हैं। धागा डालने के बाद में अगर हम सुई में डालेंगे तो धागा इधर से उधर चला जाएगा, धागे को यूज़ करो, उसको वापस खींच लो, तो ये सुई में वो करने की मतलब वो होती है। उसके अलावा सिलाई के उपकरणों में सिलाई उधेड़ने का होता है और भी कई छोटे छोटे उपकरण होते हैं वो हमारे इसमें काम में आते हैं। तो अब इन सब चीज़ों से हम एक बार सिलाई स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा दूसरा प्रैक्टिकल कंप्लीट हुआ और अब की बार हम जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल होएगा उसमें हम शुरू करेंगे सैंपल्स। सैंपल्स का मतलब क्या है कि जो प्लेन कपड़े हैं उसके हम छोटे छोटे सैंपल काट के और फिर बताएंगे कि किस तरह से हमको उसमें सिलाई करनी है। और बहुत सारे जो मतलब बहुत ज़रूरी होंगे बिगिनर्स के लिए, है ना, जो बहुत ज़रूरी है, जिसको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है वो भी कर सकता है, तो वो हम सैंपल करके और उनके बारे में एक एक दो दो लाइन में लाइन के पन्ने पे लिख देंगे और जो प्लेन वाला होगा उस पर ये जो सैंपल बनेगा वो हम वहाँ चिपका देंगे। तो थोड़े बहुत तो हम सिलाई के, हाथ की सिलाई के, थोड़े मशीन की सिलाई के लेंगे और उसके बाद में हम थोड़े बहुत एम्ब्रॉयडरी के सैंपल्स लेंगे। फिर ये हमारा बिगनिंग वाला काम, जो प्री रिक्विजिट्स होते हैं सिलाई के, सिलाई का प्री रिक्विजिट होता है ना भाई, फर्स्ट क्लास में जाने के पहले हमको प्रेप और ये सब पढ़ना पड़ता है पहले। तो जब हम LKG UKG सब पढ़ते हैं तो हमको पता पड़ जाता है कि हमको फर्स्ट क्लास में क्या करना है, अब हमको किस तरह से तैयार होना है। तो जब हम सिलाई करेंगे, जैसे झबले की कटिंग करवा रही हूँ, कुछ और करवा रही हूँ, तो आपको अगर मैं कहती हूँ टेलर चौक से ये करेंगे तो उस वक्त आपको ये नहीं है कि क्या होता है टेलर चौक, भाई होता है, मैंने समझाया था आपको, टेलर चौक दिखाया भी था किस यूज़ होता है वो भी। तो इन दोनों प्रैक्टिकल्स को एक बार मशीन को देख लेंगे, उपकरणों को देख लेंगे, उसके बाद में सैंपल्स बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो आपको सिलाई करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इस तरह से हमारा जो प्रैक्टिकल है टेक्सटाइल का, वो हम इस साल का कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।